गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th में ही विषय अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 4 पूर्ति, जिसे हम सप्लाई कहते हैं, इसके आगे का हम पॉइंट पढ़ेंगे। आज की पूर्ति के नियम के अपवाद क्या पढ़ेंगे, पूर्ति के नियम के अपवाद, मतलब कि जैसा आप सभी ने चैप्टर 3 में मांग के नियम पढ़े, चैप्टर 4 में पूर्ति के नियम पढ़े, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्ति का नियम क्या होता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो पूर्ति घट जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ति का नियम। हमारा नियम क्या है, कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ी, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा या पूर्ति बढ़ा, और प्राइस घटा तो सप्लाई घटा। ये हमारा क्या है, सप्लाई का नियम है या पूर्ति का नियम है, ठीक है। लेकिन हमें इसके अपवाद पढ़ना है, मतलब हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि पूर्ति के नियम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि पूर्ति और कीमत के बीच सीधा संबंध है, तो हमें पूर्ति और कीमत के बीच ऋण संबंध देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। तो वो अपवाद टोटल दो हैं, पहला दुर्लभ वस्तु और दूसरा नाशवंत वस्तु। अब दुर्लभ वस्तु हम किसे कहते हैं कि जो वस्तु हमें बहुत मुसीबत से मिलती हो, बहुत मुश्किल से मिलती हो, या उसे प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो, इम्पॉसिबल हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, दुर्लभ वस्तु। तो देखिए जैसे सिक्के, सिक्के मतलब जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो नहीं, पुराने सिक्के, जैसे 10वीं सदी के, 12वीं सदी के, 16वीं सदी के, ऐसे जो सिक्के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्लभ वस्तु कहलाती है, क्योंकि उन वस्तुओं को हम प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते, वो जितने प्रमाण में उतने ही प्रमाण में रहेगा, हम उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। इमारत, पुरानी इमारत जो हुए, शिल्प स्थापित हुए, ठीक है, जैसे कि हल्दी घाटी की साइड में हम लोग हल्दी घाटी देखने जाते तो वहाँ की इमारत कैसी है, वो सब क्या है, पुरानी है, उसमें ये क्या कहलाती है, दुर्लभ वस्तु कहलाती है। उसमें हम किसी भी प्रकार में उस इमारत में हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जैसे ही उसका ढांचा जैसा, हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, हम उसका प्रमाण वैसे ही देखते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में हम वृद्धि नहीं कर सकते। हस्तप्रत हुआ पुराने समय के, साहित्य हुए, प्राचीन मूर्तियाँ हुई, ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि जिसमें इसकी कीमत में चाहे कितनी भी वृद्धि हो जाए लेकिन उसकी पूर्ति में हम वृद्धि नहीं कर सकते। क्यों, इसकी कीमत, मान लीजिए इसकी भी कीमत बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इन सब की कीमत बढ़ जा रही है। हमारा नियम क्या है, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, लेकिन हम भले इसकी कीमत में कितनी भी वृद्धि कर दें तो इसकी कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी पूर्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये सब क्या है, दुर्लभ वस्तु, ये हमें दोबारा प्राप्त नहीं होने वाली है, ठीक है। सेकंड है कि नाशवंत वस्तु। नाशवंत वस्तु हम किसे कहते हैं कि जो वस्तु बहुत कम समय तक टिके, जिसकी गुणवत्ता में बहुत कम समय तक ही उसकी गुणवत्ता बनी रहे, लंबे समय तक वो वस्तु ना टिक सके, उसे हम क्या कहते हैं, नाशवंत वस्तु, ठीक है। जैसे कि हमने दुर्लभ वस्तु में देखा कि इन वस्तुओं की कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए लेकिन हम इसके प्रमाण में, इसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं कर सकते, ये क्या है, पूर्ति के नियम के अपवाद है। इसके हमारा कीमत और जो पूर्ति, इसके बीच हमें ऋण संबंध देखने को मिला। उसके बाद में जैसे नाशवंत वस्तु, ये दूध है, दही है, मांस है, मछली है, अंडा है, बिस्किट है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, बहुत कम समय तक टिकी रहती है। अब जरूरी नहीं कि बहुत कम समय के लिए टिकी है तो इसकी प्राइस में हम क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, तो क्या करेंगे, लोग इसकी पूर्ति बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है, पूर्ति बढ़ाएंगे नहीं, इसकी भी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन लोग क्या करेंगे, भले परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए कीमत बढ़ गया, दूध का कीमत बढ़ गया, तो जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्ति का प्रमाण बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं दूध की कीमत बढ़ी, प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ गया, ठीक है, व्यापारी ने इसकी पूर्ति बढ़ा दी, लेकिन वो क्या, उस जितने भी प्रमाण में उसने पूर्ति बढ़ाया होगा, अगर वो बिकेगा तो ठीक, नहीं बिकेगा तो क्या होगा, व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो नुकसान होने के डर से क्या करेगा, दूध की पूर्ति का प्रमाण बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि दूध नाशवंत वस्तु है, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। दही, मांस, अंडा, मछली, पके फल, बिस्किट, मक्खन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भले इस वस्तु की पूर्ति में, सॉरी, इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, बढ़े या घटे, लेकिन इसकी पूर्ति में भी परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं। जैसे हरी सब्जी हो गई, मान लीजिए कि हरी सब्जी की कीमत घट जाए तो लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रमाण में हरी सब्जी खरीदेंगे नहीं, क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसकी कीमत भले हमें घटती नजर आ रही है, भले वो सस्ते भाव पे हमें मिल रही है, लेकिन उससे हम स्टॉक कर सकते हैं ज़्यादा दिन तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते तक हम स्टॉक कर सकते हैं नहीं, 1 दिन 2 दिन नफ हो गया। तो ऐसी वस्तु क्या होती है, नाशवंत वस्तुएं जो होती हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, वो ख़राब हो जाती है। तो इसी ध्येय से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करते हैं,
नाशवंत वस्तु और जो दुर्लभ वस्तु होती है, इन दोनों वस्तुओं की कीमत में चाहे कमी हो जाए चाहे वृद्धि हो जाए, लेकिन इसकी पूर्ति में परिवर्तन हमें मिलेगा नहीं देखने को, चाहे वो दुर्लभ वस्तु हो चाहे नाशवंत वस्तु हो, उसकी पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। जबकि हमारे पूर्ति का नियम है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में चाहे दुर्लभ वस्तु हो नाशवंत वस्तु हो, इन दोनों वस्तु में चाहे कीमत बढ़ जाए घट जाए लेकिन पूर्ति कैसी होगी, इससे उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होगा नहीं। तो बच्चों आज हमने पूर्ति के नियम के अपवाद पढ़े, जो हमेशा पूर्ति के नियम के अपोजिट होता है। पूर्ति का नियम हमारा धन संबंध दर्शाता है और पूर्ति के नियम के अपवाद हमारे ऋण संबंध दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से डिटेल में लिख सकते हैं। धन्यवाद।